सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ आने का कार्यक्रम हम सबको मिला है और प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को लेकर के जिस प्रकार से उत्साह है, उमंग है, लोगों में जबरदस्त जो है उसके प्रति एक उत्सुकता बनी हुई है कि हम एक झलक पाएंगे, कैसे प्रधानमंत्री जी के उनकी अमृत वाणी को हम सुनेंगे, कहाँ से रहेंगे, कहाँ बैठेंगे, ये सब देख करके पूरा जो है पूरा सरगुजा संभाग के सभी जिले से बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में कल जो है यहाँ पब्लिक आने वाली है, उसको लेकर के हम सब जो है सब लगातार हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, माननीय विधायकगण, माननीय मंत्रीगण सभी और प्रदेश का हमारा पूरा नेतृत्व लगा हुआ है कि यहाँ सरगुजा की जनता ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के मोदी के गारंटी के तहत उस पर विश्वास करते हुए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के झोली में 14 के 14 विधानसभा सीट दिया और इसलिए लोगों को भरोसा है कि आज जो है मोदी है तो मुमकिन है और मोदी जी के गारंटी के तहत तमाम सारे विकास कार्य से लेकर के हम आतंकवादियों के खिलाफ और यहाँ नक्सलवादियों के खिलाफ जिस प्रकार से हमारी सरकार निर्णायक लड़ाई लड़ते हुए उनको जो आज बैकफुट में लाया है, बल्कि यहाँ तक कह सकते हैं उन्होंने छत्तीसगढ़ से यहाँ खदेड़ने का पूरा समाप्त करने का जो निर्णायक लड़ाई चल रही है, मैं समझता हूँ उस पे पूरे जनता का भरोसा है और कल ये सब दिखाई देगा कि किस प्रकार से लोगों से उधर मैं हूँ मोदी का हर मोदी मोदी जिंदाबाद। मैं हूँ मोदी का मतलब यही है कि हम सब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हम परिवार हैं और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। अकेले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, पूरा देश, देश के युवा, देश की माताएं बहने सभी उनके साथ में आज खड़े हैं। इतना लोकप्रियता है कि लोकप्रियता के कारण बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको रहने का जगह तक नहीं मिल पा रहा है, इतने लोकप्रियता हुए वो देखिए जहाँ जिससे बन सकता है लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं, आप देखेंगे कि कल किस तरह से लोगों में उत्साह रहता है। ये उत्साह बता रहे हैं तमाम सारे कार्यकर्ताओं में, तमाम युवाओं में, बाकी सभी कार्यकर्ताओं में कि किस प्रकार से उसको लेकर के लोगों में एक उत्साह है, उमंग है और जबरदस्त जो है उसको लेकर के एक एक्साइटेड हुए पड़े हैं। 400 बार का एक बार नारा। हाँ, अब की बार फिर से एक हमारे साथ स्थानीय विधायक भी हैं, बहुत उत्साह देखा जा रहा है। बहुत ज्यादा उत्साह सरगुजा की जनता में बहुत सारा उत्साह। विश्व के सबसे शक्तिशाली और सबसे लोकप्रिय नेता का आगमन सरगुजा की पावन धरती पर हो रहा है, माँ माया नगरी में हो रहा है। निश्चित रूप से सरगुजा की जनता उनकी एक झलक पाने के लिए उत्सुक है, उनका संबोधन सुनने के लिए उत्सुक है और हमारी पूरी युवा शक्ति, मातृशक्ति, किसान भाई और सभी लोग उत्सुक हैं कि किस तरह से हमको जगह मिले, मतलब कैसे हम अपने साधनों तैयार किया जा रहा है। बस समय हर हर मोदी युवा मोदी मोदी जी का युवाओं के प्रति जो देखा जा रहा है, युवा बहुत जा रहे हैं और मैं हूँ मोदी का परिवार एक दूसरे काफी दिख रहा है। हाँ, ये अभी हर तरफ मोदी जी का ही माहौल चल रहा है। आने वाले समय में हम लोगों ने ये लक्ष्य रखा है कि अब की बार 400 पार, तो ऐसा है घर घर मोदी, हर घर मोदी, घर घर मोदी। निश्चित तौर पे जो उत्साह अंबिकापुर में देखा जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी का कल आगमन होने वाला है, आगमन से पहले आज यहाँ जो युवा हैं, या कैबिनेट मंत्री की बात करूँ जो रामबिजा नेताम जी हैं, यहाँ स्थानीय विधायक राजेश अग्रवाल जी, यहाँ के युवाओं के द्वारा जो बाइक रैली निकाली गई, उस बाइक रैली में खुद भी स्कूटी और बाइक में बैठकर शहर में लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कल ज़्यादा संख्या में आकर जो आम सभा को सुने। और जो मोदी जी का टी शर्ट जो लोग पहने हुए, मैं हूँ मोदी का परिवार, काफ़ी लोकप्रिय अंबिकापुर में बनता नजर आ रहा है। अंबिकापुर से साधना ने स्कूल चंद्रशेखर गुप्ता।